बिहार बोर्ड के द्वारा 12th रिजल्ट की घोषणा कल कर दी गई। रिजल्ट की घोषणा के साथ ही जो भी छात्र हैं उनमें अपना रिजल्ट देखने के लिए होड़ मच गया। वहीं सिवान के विशाल मेगा मार्ट के बगल वाले गली में चलने वाले साइंस एकेडमी में बच्चों ने जबरदस्त तरीके से रिजल्ट लाकर उत्तर बिहार में साइंस एकेडमी का परचम लहराने का काम किया। आपको बता दें कि साइंस एकेडमी के छात्र और शिक्षकों का कड़ा मेहनत का नतीजा ही है कि हर साल यहाँ के बच्चे टॉप करते हैं और पूरे उत्तर बिहार में साइंस एकेडमी का परचम लहराने का काम करते हैं। वहीं इस मौके पर संस्था के डायरेक्टर आफ्ताब आलम ने बिहार बोर्ड को धन्यवाद देते हुए उन सभी छात्र छात्राओं को भी धन्यवाद दिया जिन्होंने इस साल बेहतर रिजल्ट लाकर अपने जिला का नाम रोशन करने का काम किया। कल दिनांक 34 मार्च को बिहार बोर्ड ने 12th का रिजल्ट जारी किया। मैं बिहार बोर्ड को धन्यवाद देता हूँ। उत्तर बिहार का नंबर वन कोचिंग साइंस एकेडमी के छात्रों ने हर बार की तरह इस बार भी बेहतरीन रिजल्ट लाकर पूरे बिहार में साइंस एकेडमी का परचम लहरा दिया। मैं साइंस एकेडमी के तमाम छात्रों को बधाई देता हूँ। और लास्ट में मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में महामारी फैली हुई है और यह एक खतरनाक वायरस है, सरकार ने लॉकडाउन कर दिया है और आप लोगों से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि सरकार का सहयोग करें और लॉकडाउन का पालन करें और घर से बाहर ना निकलें। हमेशा की तरह साइंस एकेडमी के छात्रों ने 12th के रिजल्ट्स में अपना परचम लहराया है और अधिकांश छात्र डिस्टिंक्शन या उससे भी अधिक नंबरों से पास हुए हैं, यह हमारे लिए गौरव का क्षण है। उम्मीद करता हूं इससे भी बेहतर रिजल्ट हम आगे देते रहेंगे। साथ ही साथ बिहार बोर्ड को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस परिस्थिति में, विकट परिस्थिति में, इतनी जल्दी रिजल्ट देकर छात्रों को का मनोबल बढ़ाया है। परंतु हमें यह भी ध्यान रखना है कि विश्व एक विकट परिस्थिति कोरोना से गुजर रहा है, इसलिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें।